पढ़ने के लिए बैठे हो तो पढ़ाई का सोचो, कुछ और मत सोचो। कुछ तो यहाँ पर भाई साहब अपनी आशिकी में चुल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, क्या मोहमाया क्या दुनिया है, लगे पड़े हैं। और सीमा कैसी हो और रीमा कैसी हो, बस इसी में दुनियादारी उनकी चल रही है। कुछ ना मिला तो भटकते रहेंगे बेचारे, कहाँ पर कौन महिला टीचर पढ़ा रही है, फिर जा जाकर बड़ा बड़ा वाला दिल भेजेंगे। ऐसे थोड़ी बेरोजगार हो गए हैं बताओ, बेरोजगारी का भी कारण है, बेरोजगारी का कारण यही है कि बस रोजगारी नहीं चाहिए, कसम खा लिए हैं। जाएंगे एकदम बड़ा बड़ा वाला हार्ट ऐसे भेजते हैं। देखता हूँ मैं रात में बैठे बैठे, दो तीन फीमेल टीचर्स के अलग अलग चैनल पर क्लासेस चल रही होती हैं, बड़ा वाला हार्ट, मैडम आई लव यू, मैडम आई लाइक यू, मैडम जी नहीं सकते आपके बिना, अरे नालायक पढ़ लो रे, समझा ना, नहीं तो जो अपना भी मामला परमानेंट हो रखा है ना वो भी छोड़ के चली जाएगी, समझे कि नहीं समझे, सारा मैडम आई लव यू वही निकल जाएगा। एक तो रोजगार ऐसे भी नहीं मिल रहा है और ऊपर से तुम ऐसे बेरोजगारी वाला काम करोगे तो जो बचा कुचा है वो भी चला जाएगा, ठीक है। फिर घर वालों से जाके बोलना हम तो हार गए, अब आप ही लड़की देख के शादी करा दो, अब मिलने का कोई है नहीं, ठीक है। तो बेरोजगारी वाला माहौल ना क्रिएट करें, बुझे कि नहीं बुझे बताइए।